नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। गुटखा नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन यह पारिवारिक जीवन के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये भी इस खबर में देख ही लीजिए। पत्नी थी गुटके की शौकीन, गुटका खा के शहर भर में बुलेट से फर्राटे भरती थी। पति बेचारा परेशान, बीवी की इस आदत से मामूली नौकरी में गुटके और बुलेट के पेट्रोल के खर्चे से परेशान था और आखिरकार गुटका एक पति और पत्नी के बीच में दरार बन गया है। पति ने आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी गुटखा खाती है और बुलेट मोटरसाइकिल चलाती है। पति का कहना है कि गुटखा खाने से मना करने पर पत्नी झगड़ा भी करती है। ये भी कहा जा रहा है कि पत्नी अपने पति के साथ पुराने मकान में नहीं रहना चाहती, इसलिए उसके पिता ने एक मकान भी रहने के लिए दिया था। इस सब के अलावा पत्नी रोज पति से गुटखा खाने और बुलेट बाइक के लिए खर्चा मांगती थी। इस बात से पति परेशान हो गया, फिर दोनों में इस सब को लेकर झगड़े होने लगे और परेशान पति पत्नी को छोड़कर वापस अपने पुराने घर में रहने चला गया। पति के घर छोड़कर जाने के बाद पत्नी ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। इसके बाद मामला परिवार परामर्श केंद्र जा पहुंचा, जहां दोनों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के ही दौरान युवक ने इस सब के बारे में बताया। उसके मुताबिक पत्नी रोज पेट्रोल और गुटखे के लिए पैसे मांगती है, इतने पैसे कहां से लाएं। इस पर पत्नी का कहना है कि वह तो शादी के पहले से ही गुटखा खाती है और बुलेट चलाने का भी उसे बचपन से ही शौक है। ये भी बताया कि बुलेट बाइक उसके पिता ने उसे दी है। और इस सब पर पति का कहना है कि जब तक पत्नी गुटखा खाना नहीं छोड़ती वह उसके साथ नहीं रहेगा। उसने ये भी कहा कि वह पत्नी के पिता के दिए घर में नहीं रहेगा। इस पर परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर डॉक्टर सतीश खिरवार का कहना है कि पति ने पत्नी पर गुटखा खाने के आरोप लगाए हैं। वहीं पत्नी का कहना है कि अब उसने गुटखा खाना कम कर दिया है। फिलहाल दोनों को अगली तारीख के लिए फिर से आने के लिए कहा गया है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते ही चले जाइए।